इधर बिहार के सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने बेगूसराय के बलिया में प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन आज से 6 से 8 महीने पहले बना, उसकी पहली बैठक पटना में ही हुई, यहाँ के पत्रकारों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन का आज तक एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं हो पाया है और आप सोच रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, भले ये कैसे संभव है, ये कागजी खाना पूर्ति है और स्वाभाविक है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसकी सच्चाई लोगों को नजर आती रहेगी। मेरी राय क्या होगी, हम इन आज से नहीं, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से देश विदेश के पत्रकार आते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या मत है। मेरा मत जो पहले था वो अभी भी है, इस तरह के गठबंधन जिस तरह जो बनाए जाते हैं जिसमें नेता लोग बैठ के चाय पिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक इंटेंट जारी किया कि हम लोग सब साथ में हैं, इससे जमीनी हकीकत पर, राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, काम करने का संगठन नहीं है, संसाधन नहीं है, तब तक सिर्फ नेताओं के साथ में बैठ कर किसी गठबंधन के बना लेने से जमीन पर क्या असर पड़ेगा। और जब आप इस तरह का कोई प्रयास करेंगे उसका असर लोगों को दिखेगा नहीं तो फिर भगदड़ या उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आना स्वाभाविक है, आज आए या चुनाव के रिजल्ट के बाद आए। जब मान लिए इंडिया गठबंधन बना आज से 6-7 महीना पहले, पटना से ही पटना में उसकी पहली बैठक हुई, तो यहाँ के पत्रकारों ने इतनी घोषणा, इतनी बड़ी बड़ी बात, जब बन गया, अब इसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा बन गए, कुछ हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन का आज तक एक पब्लिक मीटिंग भी नहीं हो पाया है, आज तक 7 महीने में एक पब्लिक मीटिंग भी आप नहीं कर सके और आप सोच रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, कैसे संभव है ये? ये तो कागजी खाना पूर्ति है। तो स्वाभाविक है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसकी सच्चाई लोगों को और दिखेगी। इधर आरजेडी विधायक विजय मंडल ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा ठग बता दिया है। विजय मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज साहब, शरद साहब और लालू यादव को ठगा है, उन्होंने सरकार में मनमानी करने का काम किया है। सबसे कोई बड़ा विरोधी नेता है उसका नाम नीतीश कुमार है, बिहार में गौ कलेक्टर उनके जाति का है, लालू प्रसाद ने सब कुछ सहा, कुछ नहीं बोले, जो ही चाहते थे वही करते थे। हम क्या करेंगे लालू जी, बार बार आरजेडी का नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसके साथ हम हैं। प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ, भी आप लोग बार बार ले लेते हैं, आप लोग फिर लिए क्यों? जब यकीन नहीं था फिर आप लोग दूसरी बार क्यों लिया? दूसरी बार लिया जरूर, उसमें हम लोग कर्पूरी ठाकुर का बिहार में अगर सबसे कोई बड़ा विरोधी है उसका नाम नीतीश। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की राजनीति में 3 दिन से भूचाल मचा हुआ है और पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। करीब करीब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यू टर्न लेने वाले हैं। हालांकि बीजेपी की होने वाली अहम बैठक में क्या नतीजे सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बैठक को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी राजधानी पटना में पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। बिहार के मौजूदा जो आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश कार्य समिति, सभी सांसद और सभी विधायकों की बैठक है, उसमें लोकसभा प्रवास, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने तय किए वो बिहार में कैसे होगी, क्या होगी, सांसदों के अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या करना है, विधायकों का लोकसभा में कैसे योगदान रहेगा, इन सब बातों को लेकर आज चर्चा होगी। मौजूदा बिहार की जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या आप लोग की नजर है? मौजूदा स्थिति पर यह कह सकता हूँ कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये इंडी अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा, यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का स्टेटमेंट पड़ा कि हम इनको डीसीएम करेंगे, उनको मतलब वो नीतीश को तोड़ रहे हैं क्या? ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है
या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। इधर पटना में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई है और आपदा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। वहीं इस कार्यक्रम से आरजेडी ने दूरी बनाए रखी और कार्यक्रम में आरजेडी के मंत्री को भी पहुंचना था लेकिन मंत्री शहनवाज से दूरी बनाई। वहीं इस कार्यक्रम में लगे पोस्टर से भी मंत्री का नाम गायब था।